नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश गात्री। पैतृक गांव पहुंचा है शहीद प्रदीप का पार्थिव शरीर। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। नरवाना के जाजनवाला गांव में मातम पसरा हुआ है। कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे प्रदीप नैन। तो देखिए, पैतृक गांव पहुंचा है शहीद प्रदीप का पार्थिव शरीर और शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। नरवाना के जाजनवाला गांव में मातम पसरा हुआ है। तो हरियाणा का लाल प्रदीप नैन शहीद हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा का लाल प्रदीप नैन जो शहीद हुए हैं, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव जो है इकट्ठा हुआ है। आपको बता दें कि पैतृक गांव पहुंचा शहीद प्रदीप का पार्थिव शरीर। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। नरवाना के जाजनवाला गांव में मातम पसरा हुआ है। कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे प्रदीप नैन। तो आपको बता दें कि कल से ही जाजनवाला गांव में जो ग्रामीण हैं, वो प्रदीप नैन का इंतजार कर रहे थे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ किस तरीके से उमड़ी हुई है आप देख सकते हैं। और अंतिम विदाई की तैयारी देखिए, दूसरी तस्वीरों में आपको दिखा रही है कि किस तरीके से ये फ्लैग भी, इंडिया का फ्लैग लगाते हुए यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। जो ग्रामीण है उनकी आंखें भी नम होती हुई नजर आ रही है। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ जो है उमड़ी हुई है। जींद से प्रदीप शोकर्ण संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रदीप, देखिए, इंतजार लंबे समय से शहीद प्रदीप नैन का किया जा रहा है और तस्वीरें भी मैं देख पा रही हूं कि यहां पर ग्रामीण जो है इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? जो प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर है उसको बड़े मान सम्मान के साथ काफिले के साथ ला रहे हैं। अभी रास्ते में है अभी पार्थिव शरीर, सम्मान दिया जा रहा है। आसपास के लोग, ग्रामीण हजारों की संख्या में कह सकते हैं इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन पहुंचा हुआ है, पूरे तरीके से यहाँ पर मान सम्मान दिया जा रहा है और मान सम्मान के साथ ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी प्रदीप नैन को। और गांव के अंदर सन्नाटा फैला हुआ है, हर घर के ऊपर तिरंगा है। हर गली में, हर गली गली से, हर घर से जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जितने भी लोग हैं सभी बाहर निकले हुए हैं। हर व्यक्ति कह सकते हैं कि गाँव का बाहर है। वैसे में अगर बात करें तो प्रदीप नैन को कुछ ही समय में कह सकते हैं कि वो गांव के अंदर पहुंच जाएगा और अभी रास्ते पर है। और रास्ते में जाते समय काफिले के साथ बाइकों और गाड़ियों का काफिला है और चलते हुए कह सकते हैं कि पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। और तो कुछ समय बाद ही कह सकते हैं कि मात्र 5 से 7 मिनट में जो पार्थिव शरीर है उनके गाँव में पहुंच जाएगा। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा का लाल प्रदीप नैन जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को नमन करने के लिए ग्रामीण पहुंचे हैं उनके घर के आसपास और जो उनका पार्थिव शरीर है वो गांव में लाया जाएगा। पैतृक गांव पहुंचा है शहीद प्रदीप का पार्थिव शरीर और साथ ही आपको बता दें कि जोरों से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी माहौल को देखने के लिए वहां पर हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अब पार्थिव शरीर जो है उनके गांव लाया जाएगा।